आपका मन अगर आप अपने वश में नहीं करेंगे तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। निर्माण केवल पहले से बनी चीजों का नया रूप है। केवल किस्मत वाला योद्धा ही स्वर्ग तक पहुंचाने वाला युद्ध लड़ता है। इंसान अपने विश्वास की बुनियाद पर उस जैसा बनता चला जाता है। आपका साथ अब जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आगे जो कुछ हो वह अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इसलिए हमेशा वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। अपने जरूरी कार्य करना बाकी गलत कार्य करने से बेहतर है। कर्म ना करने से बेहतर है कैसा भी कर्म करना। आपका निराश ना होना ही परम सुख होता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अकल का नाश और अकल से नाश से इंसान का नाश होता है। किसी भी काम में आपकी योग्यता को योग कहते हैं। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो डैख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नर्क के तीन द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझ कर मग्न हो रहे हो बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमृतत्व भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह धर्म का साथ दे रहा है, वह धर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद हैं। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूछता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ।
जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। क्या नींद के अख्वाब, आंखें बंद करूं तो तेरा चेहरा, आंख खोलूं तो तेरा ख्याल मेरे कान्हा, रख लूं नजर में चेहरा तेरा, दिन रात इसी पे मरती रहूं, जब तक ये सांसें चलती रहे मैं तुझसे मोहब्बत करती रहूं, मेरे कान्हा मेरी दुनिया। मत रख अपने दिल में इतनी नफरत, ए इंसान, जिस दिल में नफरत हो उस दिल में मेरा शाम नहीं रहता। बड़ी आस लेकर आया बरसाने में तुम्हारे, कर दो क्षमा किशोरी जी अपराध मेरे सारे, सवारू में भी अपना जीवन, श्री राधा नाम जपते जपते प्रेम से बोलो श्री राधे। वो दिन कभी ना आए, हद से ज्यादा अग्रूर हो जाए, बस इतना झुका कर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। कैसे लफ्जों में बयां करूं खूबसूरती तुम्हारी, सुंदरता का झरना भी तुम हो, मोहब्बत का दरिया भी तुम हो मेरे श्याम। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा के देखो, बड़े ही दयालु हैं बांके बिहारी, एक बार चौखट पे दामन फैला कर तो देखो। उन्होंने नस देखी हमारी और बीमार लिख दिया, रोग हमने पूछा तो वृंदावन से प्यार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे उम्र भर हम उस वैद्य के जिसने दवा में श्री राधे कृष्ण नाम लिख दिया। इस नए साल में खुद को भी एक गिफ्ट देना है सांवरे, जिससे आपकी परवाह नहीं उसे छोड़ देना है। जय श्री राधे राधे, श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे दिल की दीवारों पर शाम तुम्हारी छवि हो, मेरे नैनों की पलकों में कान्हा तस्वीर तेरी हो, बस और न मांगू तुझसे मेरे गिरधर, तुझे हर पल देखू मेरे कन्हैया, ऐसी तकदीर हो मेरी, डूबे ना वो नया, चाहे तूफान आए या सुनामी, जिसकी नाम का मांझी खुद है शीश का दानी। जहाँ बेचैन को चैन मिले वो घर तेरा वृंदावन है, जहाँ आत्मा को परमात्मा मिले वो दर तेरा वृंदावन है, मेरी रूह तो प्यासी थी प्यासी है तेरे लिए सांवरिया, जहाँ इस रूह को जन्नत मिले वो स्थान ही मेरा श्री वृंदावन है। सुंदर से भी अधिक सुंदर है तू, लोग तो पत्थर पूछते हैं, मेरी तो पूजा है तू, पूछे जो मुझसे कौन है तू, हंसकर कहता हूँ जिंदगी हूँ मैं और सांस है तू, भाव बिना बाजार में वस्तु मिले न मोल, तो भाव बिना हरी कैसे मिले जो है अनमोल। हे बांके बिहारी, नहीं रही कोई और हसरत एक तेरे दीदार के सिवा, गौर तलब ये है मेरे नूर हरी, अब हर तमन्ना ने मुझसे किनारा कर लिया, राधे राधे जय श्री कृष्णा। मेरे कान्हा, जानते हो फिर भी अनजान बनते हो, इस तरह क्यों हमें परेशान करते हो, पूछते हो तुम्हें क्या क्या पंसद है, जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो, राधे राधे जय श्री राधे कृष्णा। तुम क्या मिले कि सांवरे, मेरा मुकद्दर सवन गया, उजड़े हुए नसीब का गुलशन निखर गया, जय श्री कृष्णा। अजीब नशा है, अजीब खुमारी है, हमें कोई रोग नहीं बस, जय श्री राधे कृष्णा, राधे कृष्णा बोलने बीमारी है। वृंदावन की हवा जरा अपना रुख हमारी तरफ भी मोड़ दे, इस वीरान दिल में राधा नाम की मस्ती छोड़ दे, उड़ जाए माया की मिट्टी और दीदार हो सांवरे का, ऐसी प्रीत हमारी राधा नाम से जोड़ दे, जय श्री राधे। गजब के चोर हो कान्हा, चोरी भी करते हो और दिलों पर राज भी, एक तेरे ख्वाबों का शौक एक तेरी याद की आदत, तू ही बता सांवरे, सोकर तेरा दीदार करूं या जाग कर तुझे याद। बैरागी बने तो जग छूटे, सन्यासी बने तो छूटे तन, कान्हा से प्रेम हो जाए तो छूटे आत्मा के सब बंधन। शिव भी मैं हूँ, दुर्गा भी मैं हूँ, समस्त ब्रह्मांड समस्त सृष्टि में मैं ही हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ, सरे देवी देवता मुझी को जानो, आकाश पर्वत वन सब मैं ही हूँ। कोई मुझे दुर्गा रूप में माता समझकर पूछता है, तो कोई मुझे विष्णु मानकर पूछता है। मैं अजन्मा हूँ, मैं नित्य हूँ, न मेरा और है न छोर, मूलतः मैं निराकार हूँ, लेकिन मेरे भक्त बड़े ही अनोखे और निराले हैं। कोई मेरी मूर्ति बनाकर मुझे अपनी नजरों से देखना चाहता है, तो कोई मुझसे प्रेमी पुत्र या पिता के रूप में अपने समीप देखना चाहता है। अपने भक्तों के वश में होकर ही मैं भिन्न भिन्न रूप धरता हूँ। मन की गतिविधियों, होश श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेमपूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। प्रबुद्ध व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं करता, मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए।
कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। 103. जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। 104. बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। 105. स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। 106. केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। 107. मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। 108. ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। 109. वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 110. वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं।